Hello guys, you are watching Bros Reactions. My name is Kazim. My name is Onrizvi. और मेरा नाम है मुकम्मल खूबसूरत. रिएक्शन वो जो दिल से निकले. तो आज इस वीडियो पे हम लोग रिएक्शन देने जा रहे हैं, ये है सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में वीडियो. और सिद्धार्थ शुक्ला की बायोग्राफी के ऊपर और उनकी लाइफ स्टोरी और जो जो उनकी मतलब लाइफ स्टाइल सब कुछ होगा इसमें. मेरे ख्याल से ये वीडियो पहली बार देखने जा रहे हैं. मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी बिग बॉस ज्वाइन कर लूँ, मतलब उनको बोलो पाकिस्तान आ जाए तो फिर मैं मिल ही जाऊंगा. पाकिस्तान मुझे भी बनना है. मुझे भी बनना है क्या? सुपर स्टार बनना. बिग बॉस असल में हर किसी को बना देते हैं सुपर स्टार, चाहे वो कोई भी हो उसमें जाके बनता है सुपर स्टार. एक वीक भी रह जाते हैं ना बिग बॉस क्या उसमें तो निकलता है वो सुपर स्टार. ये बात है, बिग बॉस मंच ही ऐसा है कि वहाँ पे भाई आप स्टार ही बन के निकल के जाना पड़ेगा. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार मंच हिंदी वर्ड है ना. यस, तो आइए चल के देखते हैं पहले वीडियो और फिर करते हैं बातें. प्ले. Inside News, ये चैनल का नाम होगा आई गेस. शुक्ला जी के बाल कटे हैं इसमें. अच्छा, दोनों साथ रोल कर चुके हैं रश्मि और रिश्तेदार. हाँ ना, वाह. दिल का दिल का फटका. जानलेवा स्माइल से लाखों करोड़ों लोगों को दीवाना करने वाले एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला आज पहले कैसा रहा पतला की वजह से चर्चा में बने हुए हैं. बता दें सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 में दिल्ली में हुआ था. अच्छा. उनके पिता का नाम अशोक शुक्ला है जो कि एक सिविल इंजीनियर थे. उनकी माँ का नाम रीता शुक्ला है. सिद्धार्थ ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेंट जेवियर स्कूल फोर्ट से की है. जेवियर. उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन किया है. सिद्धार्थ बचपन से ही एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे. इस समय वो हार जरूर गए थे लेकिन उनकी किस्मत तो उन्हें सुपर स्टार भी बनाना चाहते थे. उन्हें इस कॉन्टेस्ट के हारने के बाद भी पैंटालून की एड कैंपेन का हिस्सा बनने का मौका मिला. उसके बाद ही सिद्धार्थ ने मॉडलिंग करना शुरू किया और 2005 में वो नेशनल मैनहंट कॉन्टेस्ट के फर्स्ट रनर अप बने. लेकिन जीतने के कुछ समय बाद ही उनके पापा का लंग डिसऑर्डर की वजह से निधन हो गया. अपने पापा की अचानक मौत के बाद सिद्धार्थ अपनी माँ के ज्यादा करीब आ गए थे. इसके बाद सिद्धार्थ एशिया के पहले बेस्ट मॉडल बने थे वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में. इसके बाद उन्हें कई एडवर्टाइजमेंट्स में काम करने का मौका मिला. मॉडलिंग करने के बाद एड्स में काम करने के बाद हैंडसम हंक सिद्धार्थ को पहली बार छोटे पर्दे पर काम करने का मौका मिला था. 2008 में उन्होंने शो जिससे उन्हें ज्यादा पहचान तो नहीं मिली लेकिन काम जरूर मिलने लगा था. उन्होंने इसके बाद सीरियल जाने पहचाने से अजनबी में काम किया. इस किरदार को दर्शकों का खूब प्यार भी मिला. लेकिन 2013 में कलर्स की सीरियल बालिका वधु में काम करने के बाद ये सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था. इनका बदल गई. इसके बाद सिद्धार्थ ने 2013 में झलक दिखला जा सीजन 6 में हिस्सा लिया था. उसके बाद साल 2014-2015 के बीच उन्हें सावधान इंडिया होस्ट करने का मौका मिला. सिद्धार्थ ऊंचाइयां छूते जा रहे थे, उनके सितारे बुलंदियों पर थे. 2014 में उन्हें आलिया भट्ट और वरुण धवन की फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया में काम करने का मौका मिला था. इस फिल्म में सिद्धार्थ ने आलिया के मंगेतर की भूमिका अदा की थी जिसका नाम अंगद होता है. याद आ गया. फिल्म में आलोचकों ने सिद्धार्थ के अभिनय की बेहद तारीफ की थी. करण जौहर के प्रोडक्शन तले काम करने के बाद तो मानो उनकी लॉटरी ही निकल गई हो. करण जौहर के साथ काम करने के बाद सिद्धार्थ का ऐसा मानना था कि करण उनके लिए नरेंद्र मोदी की तरह है. उन्हें लगने लगा था कि अब अच्छे दिन आने वाले हैं और हुआ भी कुछ ऐसा ही. सिद्धार्थ के पास कई इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आते चले गए. 2016 में इंडियाज़ गॉट टैलेंट 7 शो को होस्ट किया. फिर सिद्धार्थ ने खतरों के खिलाड़ी सीजन 7 में हिस्सा लिया था
और विनर भी बने थे। जबरदस्त। 2016 में उन्होंने अपने काम से लोगों को खुश किया। वहीं साल 2017 में उन्होंने दिल से दिल तक से लोगों का दिल जीता। पार्थ भानुशाली का किरदार लोगों अच्छी लग रही है, पसंद आया। उन्हें अपने काम के लिए कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। 2012 में गोल्डन पेटल अवार्ड्स मोस्ट लोकप्रिय फेस, बेस्ट ऑन स्क्रीन कपल ऑन कलर्स, आईटी अवार्ड्स परफॉर्मर ऑफ द ईयर, 2014 जी गोल्ड अवार्ड्स मोस्ट फिट एक्टर, 2014 स्टारडस्ट अवार्ड्स ब्रेक थ्रू सपोर्टिंग परफॉर्मेंस हम्टी शर्मा के दुल्हनिया के लिए, और फिर 2017 में एचटी मोस्ट स्टाइलिश एक्टर। वहीं सिद्धार्थ ने जहां इतने सीरियल्स में काम करके अपनी अलग पहचान बनाई, वहीं दूसरी तरफ विवादों से भी उनका नाता जुड़ता चला गया। 2014 में सिद्धार्थ को नशे में ड्राइविंग के लिए बुक किया गया था और उसी के लिए पुलिस को जुर्माना देना पड़ा था। उनका लाइसेंस भी कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद 2017 में सीरियल दिल से दिल तक के सेट पर सिद्धार्थ की मनमानी, बदतमीजी, लेट लतीफी और गाली गलौज की वजह से वो लगातार सुर्खियों में बने थे। उस समय खबरें आई थी कि फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मि देसाई के साथ भी उनकी लड़ाई हो गई थी। इसके बाद ये खबरें आई थी कि इसी शो में सेकंड लीड का रोल निभा रहे कुणाल वर्मा और शो की प्रोजेक्ट हेड शीतल भाटिया से भी उनका विवाद हो गया था। उसके बाद विवाद यही खत्म नहीं हुए। फिर जुलाई 2018 में ओशीवारा में कार के डिवाइडर से टकराने के बाद उन्हें एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया और एक व्यक्ति घायल हो गया था। वहीं उनके लव अफेयर्स की बात की जाए तो उनका नाम रश्मि देसाई और दृष्टि धामी के साथ जुड़ चुका है। अच्छा, तभी लड़ते रहते हैं, घुस नहीं है। अभिषेक की बहन आरती सिंह के साथ जुड़ रहा है। आरती किसकी बहन? कृष्णा। सीजन 13 में सिद्धार्थ क्या धमाल करते हैं, कितनी लड़कियों को घायल करते हैं, किस गेम प्लान के साथ घर के अंदर एंट्री लेते हैं, ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो वही ये वीडियो थी इनसाइड न्यूज़ वालों की। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया इनका। अच्छा, इन्होंने सब्सक्राइब करना है आपको। इन्होंने अभी ये बोला ना कि घर में क्या धूम मचाने वाले, यानी ये इनको पता ही नहीं है अभी इन्होंने वो। ये असल में थोड़ी सी ओल्ड वीडियो है, किसी महीने पुरानी वीडियो है, तो शायद उस वक्त इतना थे। और उसमें से बायोग्राफी दिखाई गई, लाइफ स्टाइल तो नहीं दिखाया गया। हाँ। और बाकी चीजें भी नहीं थी, तो लेकिन ये है कि बहुत इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी दी है। इससे पहले वाले भी बिग बॉस में आ चुके हैं ना। हाँ, ये तो 13 सीजन में रह चुके हैं ये बिग बॉस के, सिद्धार्थ शुक्ला। अच्छा, इसमें ऐसा बताया नहीं, मैं अभी आने वाले का बताया। तो नहीं तो वीडियो में देखो, मैं कहता हूँ कि जानकारी तो बहुत सारी इन्होंने दी, जैसे कि वो गर्लफ्रेंड्स वाली वो नहीं पता थी, फिर एक एक्सीडेंट वाला जो सीन था, और फिर वो ड्रिंक किए हुए थे और वाला सीन, मतलब ये अच्छी खासी बातें हमें नहीं पता थी। और फिर उसमें इनके फादर के बारे में जो बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था तो ये हो गया था, फिर अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन दी, बट ये नहीं दिखाया कि वो जो लाइफ स्टाइल होती है ना, कि कार और ये कार्स वगैरह, घर वगैरह, ये सब नहीं दिखाया। रश्मि देसाई के साथ जो इनकी फाइट रहती है उसकी भी हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली कि किस वजह से रहती है, क्योंकि जो सेट पे जो थी पहले लड़ाइयां होती थी, और उनका नाम भी जुड़ रहा है रश्मि देसाई के साथ अफेयर्स के अंदर। और मुझे सिर्फ एक चीज पता थी, इनके ड्रामे का नाम दिल से दिल तक, वो भी इस वजह से कि बिग बॉस में उसका प्रोमो चला था एक, जिसपे उन्होंने एक डांस वीडियो शूट की थी, दो लोगों ने की थी, तो मुझे इस वजह से पता चला। और नीचे लोगों ने कमेंट में भी लिखा हुआ था कि भाई दिल से दिल तक के सॉन्ग पे भी हमें रिएक्शन करना चाहिए, तो वो भी किसी दिन करेंगे। बाकी ये कि सिद्धार्थ शुक्ला ने अच्छा खासा नाम कमाया है इस फील्ड में, और इतना जो इन्होंने स्ट्रगल किया ना अपनी लाइफ में, कि बिल्कुल पीछे से जब ये काम करते हुए, तो उस सब का जो ना इनको फल जिसको कहता ना, अभी मिल गया बिग बॉस 13 में। वो है ना, क्या कहते हैं उसको, मिसाल जो है कि हार के जो जीत जाए वो बाजीगर कहलाता है, जो कुछ वैसी मिसाल है। पहले उस मॉडल में उस वहां पे बिल्कुल सिलेक्ट नहीं हुए, मतलब अप एंड डाउन तो आते हैं यार, हर किसी की लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं। लेकिन ये देखें आप कि बिग बॉस 13 में अभी सिद्धार्थ शुक्ला ने ना बैंड बजा के रखी हुई, यानी इतना 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 फेम अभी इनको मिल चुका है। और फिर फेवरेट चल रहे हैं,
तो आपको बताया कि हम जब वीडियो डालते हैं ना तो उसके नीचे लिखा होता है सिडनाज। वो तो मुझे पता है वो तो शहनाज की वजह से कहते हैं, लेकिन सिड इतना आया होता है कि बस हद नहीं। हमने एक वोटिंग भी कराई थी जिसमें सिद्धार्थ अलग ही लेवल पे उस पे चल रहे थे। और सिद्धार्थ शुक्ला की जितनी भी स्ट्रगल की बात की जाए, उन्होंने क्या कुछ नहीं है जो नहीं किया। उन्होंने सावधान इंडिया बहुत बड़ा शो है वो होस्ट किया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें इंडियाज गॉट टैलेंट होस्ट किया। नच बलिए में भी थे आई थिंक, वो नच बलिए नहीं कुछ और बोलते नहीं कुछ और डांस एक्सपेक्टर नहीं डांस किया था। हाँ डांस वो तुम सही कह रहे हो, एक शो था पता नहीं कौन सा, सही है उसमें भी उन्होंने किया था। और वो था ना फेयर फैक्टर भी था उसमें। और मुकम्मल खूबसूरत में बताना चाहूँ कि भाई सिद्धार्थ शुक्ला इसी 13 सीजन में आए, कोई पुराने सीजन में नहीं थे। तो मैं आपसे एक मजाक कर रहा था छोटा सा। हाँ बिग बॉस 13 में सिद्धार्थ शुक्ला आए हैं जो कि अब तक के सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट चल रहे हैं, अभी तक सबसे फेवरेट। और ये मुझे पता है वो आगे भी फेवरेट रहेंगे। और आगे मैं ये चाहता हूँ कि सिद्धार्थ शुक्ला और आसिम रियाज में से कोई जीते, या तो फिर शहनाज। ये 3 मेरे फेवरेट हैं अभी तक फिलहाल। और एक वीडियो हम लोग बहुत जल्द बनाने वाले हैं बिग बॉस के ऊपर, बनाने के वाले हैं, बना चुके हैं, वो अपलोड करने वाली है। तो सही मौके का इंतजार कर रहे हैं, जिस दिन भी सही मौका मिला उसमें विनर रिवील किया हुआ है, विनर रिवील किया है पाकिस्तानी की तरफ से कि भाई कौन है विनर। और सिद्धार्थ शुक्ला भाई सबसे ज्यादा सिद्धार्थ शुक्ला मेरे फेवरेट है। हाँ उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी अलग है, वो रिजर्व रहना पसंद करते हैं। और ये वीडियो देखने के बाद तो मेरे भी होगा, तो मेरा वोट भी डाल देना। अच्छा रश्मि देसाई खान की बहुत बड़ी फाइट हुई थी बिग बॉस के अंदर, जिसमें चाय फेंकी थी और यूज किया था उनके साथ, फिर उसके थोड़े दिन बाद क्रिटिसाइज हो गए थे, मुझे समझ में नहीं आता है चल गया। लेकिन अभी जो चल रहा है ना वो सीन ये चल रहा है कि अब रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला आपस में बातचीत कर रहे जो है बातचीत चल रही है। और फिर एक उसमें जब उनके घर वाले सब मिलने आने वाले थे तो रश्मि को लाके सिद्धार्थ शुक्ला ने पानी भी ऑफर किया, पानी पिलाया, देन उसके बाद दिखाया कि वो लोग बैठे हुए भी हैं, आपस में बातचीत भी चल रही है और दोनों मजे में बात कर रहे हैं। फिर थोड़ा सा मैं इसलिए बात कर रहा हूँ ना कि यार व्यूवर्स को भी पता चले कि हम लोग इन टच रहते हैं। और फिर उसमें ये भी है कि अब जो है ना रश्मि देसाई की शहनाज से थोड़ी सी तू तू मैं हुई है, वो पता नहीं चलेगी या नहीं चलेगी, बट ये कि सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि देसाई अभी करंट में बिल्कुल सही। और करंट में एक और न्यूज है कि शहनाज को बिल्कुल साइड लगा दिए घर वालों ने, ये भी मेरे सुनने में आया कि मेरे को सुनने में आया, जिसमें बिग बॉस में चलता है मेरे को देखो तो मुझे आदत हो गई है। और सिद्धार्थ शुक्ला ने तो मेरे बिल्कुल और आसिम ने हृदय में जगह पा ली है। हृदय एक हिंदी वर्ड है और इसको इसके मायने है दिल, हार्ट। यस यस हार्ट और कुछ भी कह सकते हैं, बस कहीं भी जगह पा ली है, बस दिल हृदय मेरे ख्याल से। बट ये कि लेट्स सी उस वीडियो का इंतजार कैसे हुआ आप नीचे आके बता सकते हैं, क्योंकि उसमें हम प्रीवील करेंगे बिग बॉस के मे बी रनर अप करेंगे उसमें भी। सही है, तो रनर अप और विनर हम लोग रिवील करने वाले हैं और वो बस पोस्ट होने वाले अपलोड होने वाली है वीडियो। तो और साथ में कहना चाहूंगा कि आप लोगों को बिग बॉस से रिलेटेड इसके कंटेस्टेंट से रिलेटेड आप कोई वीडियो सजेस्ट करना चाहते हैं तो facebook.com/brosreaction पे जाएं। वहाँ एक तो पहले पेज आपने लाइक करना है और साथ में फिर वहाँ पे वीडियो सजेस्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने आना इंस्टाग्राम पे आके हमें करना फॉलो। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है दिकासिम नैयर, मेरा है ऑनवेज भी, मेरा है mukammal_khubsurat। और हमारा पेज इंस्टाग्राम पे ब्रो रिएक्शंस के नाम से, वहाँ जाइए उसको दीजिए फॉलो बैक, हम देंगे आपको वहाँ पे फॉलो बैक। और आप हमें वहाँ पे भी वीडियो रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी और हमसे कर सकते हैं ढेर सारी बातें। और भाई मेरा चैनल है कासिम नैयर के नाम से, वहाँ मैं करता हूँ सॉन्ग कवर, मैंने कुछ कवर डाले भी है, हालांकि उसको प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करके ये बता देंगे मैंने कैसा गाया, मैं कैसा गाता हूँ। और आगे के लिए मुझे बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहते हो वो भी कर देगा, बट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और नीचे चैनल डिस्क्रिप्शन में आपको मुकम्मल खूबसूरत की यहाँ पे आपको गोल गोल कादिम का चेहरा बना हुआ दिख रहा होगा, लोगों वो उस पे जाए और आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं यूं करके सुनता हूँ ना, बड़ी अच्छी आवाज है, बहुत टाइट आवाज है, ये रहा। So you guys are watching Bros Reactions, my name is Kadim, his name is Anjus, and his name is Mukammal Khoobsurat. Goodbye.